हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट रसमलाई। इंस्टेंट मतलब फटाफट से बनने वाली। इसमें ना हमें दूध फाड़ना है, ना छेना बनाना है, तो फिर कैसे बनाएंगे? जी हाँ, ब्रेड से बनाने जा रही हूँ आज मैं, और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं, क्योंकि आज मैं ब्रेड के बीच में फिल करके इसे बना रही हूँ। तो फिलिंग के लिए यहाँ मैं खोया बना रही हूँ, इंस्टेंट खोया। तो 2 चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया है मेल्ट किया हुआ पैन में, और 1/2 कप दूध डाल दिया है। अब 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, जिसे थोड़ा थोड़ा करके मैं मिक्स कर रही हूँ। और गैस अभी मैंने ऑफ कर रखी है, क्योंकि ये मिल्क पाउडर अगर गर्म दूध में डालेंगे तो लम्स बन जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डाल करके मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। देखिए, अब इसे अच्छे से दबा दबा के मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें लम्स रह जाते हैं और गर्म में डाल दिया तो मावा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अगर सॉफ्ट मावा बनाना है तो इसी तरह से हमें ठंडे दूध में ही इसे पहले मिक्स करना होगा। ये देखिए, मिक्स हो चुका है अच्छे से। और अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम रख दिया है मैंने, और अब इसे फटाफट चलाते रहेंगे कंटिन्यूसली। आप देखेंगे पहले ये पतला होगा, ये देखिए पतला होता जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही गाढ़ा होता जाएगा और बिल्कुल मावा, एकदम सॉफ्ट मावा बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इसे फटाफट हिलाते रहेंगे। मैंने कहीं भी स्किप नहीं किया है, मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रही हूँ। ये देखिए, फटाफट जल्दी जल्दी चलाते रहेंगे। इस तरह से देखिए गाढ़ा होता जा रहा है। इसी तरह हम चलाते रहेंगे और बिल्कुल मावे जैसा लगता है, और टेस्ट भी बिल्कुल मावे जैसा आता है। आपको जब भी कोई मिठाई बनानी हो तो इस तरह से इंस्टेंट मावा आप बना सकते हैं। मैं यहाँ 1 कप में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे दूसरी मिठाई भी बनानी है, और ना इस मिठाई के लिए 1/2 कप मिल्क पाउडर का खोया सफिशिएंट रहेगा। ये देखिए, पैन छोड़ दिया है इसने, फटाफट तैयार हो गया मावा। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। अब उसी पैन में मैंने डाला है यहाँ पे 1/4 लीटर दूध, यानी 750 ml। इसकी हम बनाएंगे रबड़ी, यानी जो रसमलाई की रबड़ी होती है, रस होता है, वो बनाएंगे। तो इसे बॉयल आने देते हैं। बॉयल आने पर मैं यहाँ डाल रही हूँ इसमें सैफ्रन या केसर के कुछ धागे, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है रसमलाई में। मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स हो गया, अच्छा सा कलर आ गया है केसर का। हिलाते रहेंगे ताकि मलाई ना आए, फिर भी देखिए थोड़ी बहुत मलाई आ ही जाती है। और फिर इसमें डालेंगे हम 1/4 कप चीनी। मीठा अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं दूध को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। तो 2 टेबल स्पून मैंने दूध लिया है एक बोल में नॉर्मल टेम्परेचर पे, और उस पर मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, लम्स ना रहे जब तक हम इसे मिक्स करेंगे, और इस उबलते हुए दूध में इसे डालेंगे और लगातार चलाते भी रहेंगे, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा ये। देखिए, इस तरह से चलाते रहेंगे और अभी फटाफट से गाढ़ा हो जाएगा ये। 1 चम्मच ही लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर, क्योंकि मुझे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। देखिए, कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा येलो कलर, फूड कलर जो होता है, क्योंकि कलर थोड़ा हल्का लग रहा है सैफ्रन का, और रसमलाई थोड़ी पीली पीली अच्छी लगती है। और साथ ही मैं 1/4 टेबल स्पून मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ। कुछ कटे हुए काजू बादाम डाले हैं मैंने, पिस्ता भी डाल रही हूँ, और अब इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है येलो कलर डालते ही। जो बाजार वाली रबड़ी नहीं होती है रसमलाई की, बिल्कुल वैसा लग रहा है। बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें फ्लेवर के लिए मैं इसमें केवड़ा जल भी डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना इलायची पाउडर की खुशबू भी अच्छी लगती है। तो यहाँ 2-3 बूंद डाल रही हूँ मैं इसमें केवड़ा जल। बस अब इसे मिक्स करेंगे। और गैस को बंद कर देंगे, हम इसे ठंडा होने देंगे। देखिए आप, कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। मैंने अभी ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा, तो ज़्यादा पतला नहीं रखा है मैंने। अब ये ब्रेड स्लाइसेस ली, मैंने छोटी वाली ली हैं स्लाइसेस, और इस तरह से इसको बेलन से मैं प्रेस कर रही हूँ। अब एक मैंने छोटी कटोरी ले ली है, जिससे मैं इसे काट रही हूँ।
राउंड शेप में, क्योंकि रसमलाई भी राउंड शेप में होती है, तो वही लुक आने के लिए मैंने इसे गोल शेप में काटा है। ये देखिए इस तरह से काट लिया है मैंने। आप कटोरी या ग्लास कुछ भी ले सकते हैं। अभी दूसरे भी काट लेते हैं। मेरा बेटा जब भी मैं कोई डिश बनाती हूँ मेरी हेल्प कर देता है, आज वही काट रहा है। ये देखिए ये भी कट चुकी है। इस तरह से मैंने 12 स्लाइसेस ली हैं और सारी स्लाइसेस को इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए सारी मेरे बेटे ने काट दी हैं, इस तरह से काट लेंगे। और जो बाकी बचा हुआ है उसे हम ब्रेड क्रम्स के लिए यूज़ कर लेंगे। मावा ठंडा हो चुका है, इसमें मैं कुछ कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू कटा हुआ डाल रही हूँ। आप अपनी मनपसंद से और कुछ भी डाल सकते हैं, बस इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। और ये फिलिंग तैयार है। अब एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे और उसमें थोड़ा सा ये मिक्सचर रखेंगे हम। ये फिलिंग जब आती है ना बीच में, जब हम खाते हैं रसमलाई में तो कोई फिलिंग होती नहीं है, लेकिन जब ब्रेड की हम बनाएंगे और इस तरह से फिलिंग डालेंगे ना, बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप बना के ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसी लगी। और दूध लगा के इस तरह से चिपका देंगे। इस तरह से दूसरी बना लेते हैं और इस तरह से हल्का हल्का उंगली से दूध लगा लेंगे किनारों पे और इसे चिपका देंगे। इसीलिए चिपक जाएगी इस तरह से। आप फिलिंग में किशमिश, केसर, इलायची ये सब भी डाल सकते हैं और भी अच्छा लगेगा। मैंने ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि हमने रस में भी डाला है। अब देखिए इस तरह से मैंने एक ट्रे में रख दिया है और ऊपर से हम ये रस डाल देंगे, यानी कि जो रबड़ी हमने बनाई है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल रसमलाई लग रही है। और अभी थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे तो ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी इस रस को ब्रेड, बिल्कुल रसमलाई लगेगी। ऐसा लगता है लगेगा ही नहीं कि आपको कि ये बिना छीने से बनी हुई है। ये देखिए। और अब इसे चांदी का वर्क से मैं डेकोरेट कर रही हूँ। बिल्कुल हलवाई वाला लुक आ रहा है, आप देख रहे हैं। और खाने में भी बहुत टेस्टी है और उस रसमलाई से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।